वेलकम दोस्तों, जियो फोन 5G जो स्मार्टफोन है इसकी लाइव हैंड्स ऑन इमेजेस लीक हो गई है, जो कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। और स्मार्टफोन में आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 700 चिपसेट देखने मिलेगा और 13+2 मेगापिक्सल का रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलने वाला है और 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने मिलेगा। और इसकी प्राइसिंग बताई जा रही है अंडर 10,000 हमें देखने मिलेगी। तो जियो का फोन है तो हमें बजट में देखने को मिल सकता है। खैर, आपका क्या ख्याल है आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। Realme Narzo 60 सीरीज के जो स्मार्टफोन्स हैं ये काफ़ी जल्दी लॉन्च होने वाले हैं और आज इस स्मार्टफोन के फर्स्ट लुक प्रोमो वीडियो सामने आया है, जो कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इस स्मार्टफोन में आपको कर्व डिस्प्ले देखने मिलेगी। और इनके कैमरा मॉड्यूल की बात करें तो Realme 11 Pro सीरीज के जो स्मार्टफोन्स में जो आपको कैमरा मॉड्यूल मिला था, वही कैमरा मॉड्यूल आपको इन स्मार्टफोन में भी मिलने वाला है, जो कि काफ़ी अच्छी बात रहने वाली है। आपका क्या ओपिनियन है, आपको कोई कहना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। Oppo Find N3 जो स्मार्टफोन है इसके फर्स्ट लुक रेंडर सामने आए हैं, जो कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो देख लो, Oppo Find N3 फ्लिप स्मार्टफोन आपको कुछ ऐसा देखने को मिलने वाला है। Nothing Phone 2 जो स्मार्टफोन है ये काफ़ी जल्दी लॉन्च होने वाला है और आज इस स्मार्टफोन के ऑफिशियल वॉलपेपर और साथ ही फ्रंट लुक सामने आया है, जो कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। और Nothing OS 2 का भी फर्स्ट लुक आप यहाँ देख सकते हैं और मिडल पंच होल के साथ ये स्मार्टफोन हमें देखने को मिलने वाला है। तो फर्स्ट लुक मुझे तो काफ़ी ज़्यादा मस्त लगा, आपको कैसा लगा, आपके क्या रिएक्शन है आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। Asus Zenfone 10 जो स्मार्टफोन है इसके फर्स्ट लुक रेंडर्स, ऑफिशियल स्पेसिफिकेशंस और साथ ही प्राइसिंग लीक हो गई है, जो कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। और स्मार्टफोन के प्राइसिंग की बात करें तो अराउंड आपको 61,400 रुपीज़ के अराउंड इसकी प्राइसिंग आपको देखने को मिलने वाली है। तो स्पेक्स के अकॉर्डिंग प्राइसिंग तो हाईफाई ही है, लेकिन Asus का स्मार्टफोन है तो प्राइसिंग तो अप लेवल होगी ही। आपको इसकी प्राइसिंग कैसे लगी, आपके क्या ओपिनियन है आप मुझे ज़रूर से बताइएगा। Realme Pad 2 जो टैबलेट है ये आज BIS और FCC सर्टिफिकेशन पर लिस्ट हो गया है, जिसकी डिटेल आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इसका एक फर्स्ट लुक स्केच भी सामने आया है, जो कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो देख लो, Realme Pad 2 आपको कुछ ऐसी डिजाइन में देखने को मिलने वाला है। Tecno Poa 5 4G जो स्मार्टफोन है इसके प्रोमो पोस्टर्स लीक हो गए हैं, जो कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो देख लो, ये स्मार्टफोन पहले ग्लोबली लॉन्च होगा, फिर अगले महीने तक हमें ये इंडिया में भी देखने को मिलने वाला है। Samsung Galaxy Tab S9 FE और Galaxy Tab S9 FE Plus दोनों ही टैबलेट आज Geekbench और साथ ही IMEI डेटाबेस पर लिस्ट हो गए हैं, जिसकी डिटेल आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो देख लो, Samsung Galaxy Tab S9 FE सीरीज के टैबलेट भी हमें काफ़ी जल्दी देखने को मिलने वाले हैं। Redmi Note 30 सीरीज के जो स्मार्टफोन्स हैं ये आज IMEI डेटाबेस पर लिस्ट हो गए हैं, जिसकी डिटेल आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इनके रूमर्स स्पेक्स हमें काफ़ी जल्दी देखने को मिलने वाले हैं। खैर, देखते हैं इन स्मार्टफोन में हमें क्या कुछ देखने को मिलेगा। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो इतना ही। आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। मिलते हैं कल शाम को 4 बजे।